टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया। टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें उस T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने केवल टीम का साथ दिया। उन्हीं में से एक खिलाड़ी हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर बड़ा बयान दिया। एक YouTube चैनल पर बात करते हुए संजू ने कहा कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने का मौका मिला था, लेकिन अंतिम समय पर कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिया। संजू ने कहा कि रोहित शर्मा ने पहले उन्हें कहा कि वो खेलने के लिए तैयार रहें। फिर कुछ देर बाद रोहित संजू के पास आए और टॉस से पहले ही उन्होंने तय कर लिया कि हम सेम प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे। फिर उसके बाद संजू ने कहा कोई बात नहीं। मैच में वार्म अप के समय रोहित शर्मा संजू सैमसन के पास आए और संजू से कहा कि तुम समझ रहे हो ना मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। तब संजू का कहना था कि आप मैच जीतने पर ध्यान दो। संजू सैमसन ने बताया कि रोहित शर्मा बहुत ही कैजुअल तरीके से बात करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे कोस रहे होगे, तुम खुश नहीं हो। तब संजू ने बोला कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैं फाइनल खेलना चाहता हूँ। सैमसन ने कहा कि उन्हें बस यही अफसोस है कि वो रोहित की कप्तानी में वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेल पाए। संजू सैमसन ने कहा कि टॉस से पहले रोहित ने उनके साथ समय बिताया बजाय इसके कि वो फाइनल खेलने वाले खिलाड़ियों पर ध्यान दे। सैमसन ने रोहित को बताया कि बचपन से ही मैं यहां आकर कुछ करना चाहता था। फिर रोहित ने कहा कि मेरा पैटर्न ऐसा है। संजू ने कहा कि मैं पूरी तरह से आपके फैसले का सम्मान करता हूं कि आप आए और मुझे समझाया, लेकिन संजू ने कहा कि मुझे इसका अफसोस रहेगा कि मैं आप जैसे लीडर के साथ वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेल पाया।